डिपार्टमेंट वाला बोले भाई यार ये तो सी का काम है, मैं नहीं कर सकता। नहीं, गाँव में ये चीज़ नहीं है, मिलकर काम होता है, लेकिन दखल अंदाजी नहीं। जब एक काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो उसको सपोर्ट देने के बजाय उसको ये कहिए यार ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। अगर कोई इंचार्ज बनाया है तो उसके दिमाग की सारी चीज़ें देख कर ही बनाएगी, हाँ वो कर सकता है। तो मदाफलत ये भी हेल्प। अब हम बात करें कि जो हमारा असल मकसद है, जिसके तहत ब्रावो पर्सन फॉरम का वजूद है। मैं हमारी जो नई मेंबर हैं, ब्रावो पर्सन फॉरम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? नहीं और डेली हम लोगों का काम यही है कि हम दूसरों का दूसरों की हेल्प करें वेलफेयर काम में। लेकिन हमारे ब्रावो पाकिस्तान फोरम का असल मकसद जो है वो ये है कि यूथ को पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान कैसा है। पाकिस्तान देखिए, हर मुल्क के अंदर खराबियाँ होती हैं, हर मुल्क के अंदर बुराइयाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यही है कि हमारा मुल्क खत्म हो गया, खराब हो गया। तो हमारा मकसद क्या है कि ब्रावो पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म के जरिए बता रहे हैं पाकिस्तान बहुत है, उनकी पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव चीज जो है उनको उजागर करना, उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं। जो हमारा असल मकसद है जिसके तहत ब्रावो पाकिस्तान फॉरम वजूद में आई, ब्रावो पाकिस्तान फॉरम बनाई गई, इसकी डिटेल ताकि पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान के पॉजिटिव पहलुओं को बताया। लेकिन इसके बारे में कुछ कम हो पा रहा है। हम सब वीकेंड पर मिलते हैं, हम सब हमारे ब्रावो सब वीकेंड पे भी मिलते हैं और इंजॉय भी करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कोई पिकनिक मनाते हैं, कहीं चले जाते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो अब इस सिलसिले में पहले ये अमल जारी था कि हम किसी न किसी टॉपिक पर बात करते थे ब्रावो से रिलेटेड या पाकिस्तान से रिलेटेड, लेकिन ये सिलसिला बीच में ख़त्म हो गया। ये ज़हीर अब्बास और जुनेद बेग जो हमारे सीनियर मेंबर हैं वॉइस में, ये हमेशा हेडो के साथ थे और कोई ना कोई सिलसिला चलता था, यासिर है, और कोई ना कोई हम लोग टॉपिक पर बात करते थे